यूनिवर्स में सारे जो रॉक्स आप लोग को नजर आ रहे हैं, ये चॉकलेट रॉक्स हैं। इन चॉकलेट रॉक्स का जो नाम है, इसके पड़े इनके जो शेप है, वो सारे चॉकलेट जैसे। अच्छा। सोने वाले लोग हैं ये, दरिया से सोना निकालते हैं, खाना बदोश लोग हैं। तो दूर से आप लोगों को ग्रीनरी नजर आ रही है ना, वो सारी सेलिंग वाली साइट है। इस तरह की लेक मैंने नहीं देखी, इसके अंदर क्या है, क्या चीज है? पेड़ पौधे हर झील के अंदर होते हैं, लेकिन ये कभी भी दिखते नहीं है। विजिबल है व्यूअर्स, इतने विजिबल है कि मैं क्या बताऊं आपको, दूर तक जा रही है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग दरियाए शोवक के बिल्कुल किनारे से गुजर रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोग को अपने पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि दरियाए शोवक हिंदुस्तान के लद्दाख से पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है। तो ये जो दरियाए शोवक है, ये खासा खतरनाक दरिया है, इसे अक्सर मौत का दरिया भी कहा जाता है। गर्मियों के मौसम में जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो इस दरिया के पानी का फ्लो बहुत ही तेज हो जाता है, जो कि दरिया के आसपास के इंसानों के लिए खासा खतरनाक है। इतनी ग्रीनरी के, और चल के ये स्टेप बाय स्टेप जो खेत हैं, इनका विजिट करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरती है, कितनी खूबसूरती है। और ये किसी की मेहनत भी है साथ में, ये खेत हैं किसी के होंगे खेत, अंदर काम भी चल रहा है खेतों के, और स्टेप बाय स्टेप खेत हैं ये। तो ये हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, उन्होंने बताया कि इसको भी आप अपने चैनल में डालें, अपनी वीडियो में डालें, लोगों को पसंद आएगा। पीछे पहाड़ हैं। और व्यूअर्स, मैं बताऊं कि इस वक्त जो है, हम लोग स्कर्दू से बाहर निकल चुके हैं। ये ज़िले घांची के अंदर ये सारी जगह है, सारी ये जो जगह है, ये ग्वाड़ी विलेज है, उसका हिस्सा है ये। ये देखें कितना खूबसूरत है। और ये ग्वाड़ी विलेज का जो हेड क्वार्टर है, वो खपलू है। तो ये पहाड़ देखिए, हसीन तरीन। और टाइम तो मैं आप लोग को बताने ही भूल रही हूँ, 11:55 का टाइम हो रहा है इस वक्त दिन के। जा तो हम लोग सेलिंग की तरफ रहे हैं, लेकिन रास्ते में इतने खूबसूरत खूबसूरत पॉइंट्स पड़ रहे हैं कि हम लोग को रुकना पड़ रहा है, और ये सारी जगहें हमें देखनी पड़ रही हैं। तो व्यूअर्स, मैं तो यही नोट कर रही हूँ कि हम लोग जब स्कर्दू से खपलू के लिए निकले हैं, हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। बड़े मज़े का रास्ता है ये, माशाल्लाह। व्यूअर्स, ये सारे जो रॉक्स आप लोग को नजर आ रहे हैं, ये चॉकलेट रॉक्स हैं। इन चॉकलेट रॉक्स का जो नाम है, इसके पड़े शेप्स जो होते हैं, अच्छा मैं आप लोग के नॉलेज में थोड़ा इजाफा करती चलूं कि ये जो चॉकलेट रॉक्स हैं, ये आप लोगों को खपलू से आगे की तरफ नजर आएंगे, और साथ ही आप लोगों को ये दरिया के किनारे नजर आएंगे। सुना है कि ये खासे स्लिपरी होते हैं, तो इनके करीब जाने से थोड़ा अवॉइड ही करें तो बेहतर है। जैसे कि व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को बताया है ना कि जब आप इस स्कर्दू से खपलू की तरफ निकलेंगे, तो रास्ते में यकीन जानिए, हर मोड़ पे आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है यहाँ पर। वैसे तो स्कर्दू हम लोग कई बार आए, लेकिन खपलू वाले रूट पे हमारा फर्स्ट विजिट है। सोना निकालते हैं, सोने वाले लोग हैं ये, दरिया से सोना निकालते हैं, खाना बदोश लोग हैं। जा सकते हैं हम देखने के लिए, टाइम लगेगा। चलो ठीक है, यहाँ से जिनको भी अमीर होना है, वो यहाँ आ जाए सोना बटोरने के लिए, हम निकाल सकते हैं सोना। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों की नॉलेज में थोड़ा इजाफा करती चलूं कि ये लोग दरिया के किनारे जिंदगी बसर करते हैं, और ये लोग गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं। इनका रोजगार बहते पानी में से सोना निकाल कर फरोख्त करना है। तो व्यूअर्स, यकीन जानिए, इन लोगों के बारे में भी मैंने खासा सुन रखा था, तो आज मैंने इन लोगों को अपनी आंखों से देख लिया दरिया के किनारे से सोना निकालते हुए। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग योगो विलेज से गुजर रहे हैं खपलू जाने के लिए, और ये सियाचिन रोड भी है साथ में, और साथ में जो है ये योगो का ये छोटा सा बाजार है, यहाँ पर इनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं, और साइड में इन्होंने इनके घर हैं जहाँ ये लोग रह रहे हैं, और घरों के अंदर इन लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे खेत बनाए हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदेंगे, चिप्स वगैरह। ये देखें, ये शॉप है यहाँ पर, शहजाद ब्रदर बेकरी, ब्रदर्स बेकरी एंड जनरल स्टोर, मेन बाज़ार योगो खपलू। ये शॉप है इनकी, योगो विलेज। विलेज की भी कितनी अच्छी शॉप्स होती हैं, सब कुछ मौजूद है, पूरी भरी हुई दुकान है। इसी दुकान के सामने गारमेंट शॉप भी है, आतिफ ब्रदर्स क्लॉथ गारमेंट्स एंड कॉटन स्टोर, अंदर बच्चों के कपड़े वगैरह भी मिलने हैं। इसी तरह यहाँ पर और भी चीज़ों की दुकानें हैं। नदी नालों से पानी आ रहा है। तो
तो ये देखिए नदी नालों से मुख्तलिफ जगहों से पानी आकर मेन दरिया पे जाके गिर रहा है। क्या मनाजिर हैं व्यूअर्स, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सीनरी है। तो माशाल्लाह पता नहीं कितने अरसे तक हमें ये मनाजिर याद आते रहेंगे हमारी आंखों में एज इट इज। तो व्यूअर्स आगे एक बोर्ड आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क। तो इसका मतलब ये है कि या तो इसी जगह को इन लोगों ने नेशनल पार्क का नाम दिया हुआ है या आगे आस पास किसी जगह पर नेशनल पार्क बनाया हुआ है। तो व्यूअर्स हम लोग निकले तो खपलू के लिए थे, वैसे रास्ता तो ये सारा खपलू का ही है, लेकिन पहले हम लोग जा रहे हैं सिलिंग की तरफ। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट पॉइंट है, पहले वो हम एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे। फर्स्ट विजिट है इन सारी जगहों पे हमारा, तो चलते हैं सिलिंग और फिर चलकर देखते हैं कि कैसा है सिलिंग। तो व्यूअर्स अभी जो है हम लोग खपलू वाली ही रोड पे थे, लेकिन ये जो आप लोगों को ब्रिज नज़र आ रहा है ना, इस ब्रिज को हम क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे जाएंगे और वो जो दूर से आप लोगों को ग्रीनरी नज़र आ रही है ना, वो सारी सेलिंग वाली साइड है। तो अब हम एंटर हो चुके हैं ब्रिज में, बड़े मज़े का ब्रिज है, बड़ा खूबसूरत ब्रिज है। तो व्यूअर्स सेलिंग वैली जो है वो ज़िले घांझे के अंदर आती है, और सुना है कि सेलिंग वैली के अंदर बहुत से फिश फार्म और चश्मे देखने के काबिल हैं। तो व्यूअर्स अभी भी हम सेलिंग वैली के ही रास्ते से गुजर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा ये रास्ता है, दोनों तरफ खेत बागात और जंगल हैं। अच्छा मैं आप लोग को ये बताऊं कि सेलिंग वैली की जो ज़मीन है ना, ये खासी जरखेज है, तो यहाँ पे हमें जगह जगह खेत और बागात नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स यहाँ पर फलों के दरख्त इतने हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बंदा भूखा भी रहता होगा। और यहाँ की क्राइम रेट की बात करें तो यहाँ की क्या बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 0% क्राइम रेट है। सारी खेती बाड़ी लोगों ने अपने घर में क्या कुछ नहीं कर रखी है, ऐसी ऐसी चीजें उगाई हुई है माशाल्लाह। अच्छा इनके बागात की पत्थरों की बनी हुई जो दीवारें होती हैं ना, वो हम टूरिस्ट को खासी फैसिनेट करती हैं। ये देखिए सुना है कि व्यूअर्स सेलिंग वैली में पहले बादशाहों की सल्तनत भी हुआ करती थी, और यहाँ पर अभी भी बादशाहों का किला मौजूद है, लेकिन ये किला इतना बड़ा नहीं जितना खपलू फोर्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर मारखोर भी खासे पाए जाते हैं और लोगों को दिखते भी हैं। ये देखिए व्यूअर्स ग्लेशियर से पानी आ रहा है ऊपर से, और इस तरह का साफ सुथरा पानी पी सकते हैं, इसे पीने का साफ सुथरा पानी सोहा। तो इस वक्त हम लोग पहुँच रहे हैं सोहा लेक की तरफ, ये सेलिंग के रास्ते में पड़ी है, चले निकलते हैं सोहा लेक। तो व्यूअर्स अब हम आ गए हैं सोहा लेक पे, ये सेलिंग के रास्ते पे है, सेलिंग विलेज के रास्ते में। तो सेलिंग भी एक बहुत ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी रास्ते में सोहा लेक से गुजर रहे हैं, तो फिर हमने सोचा क्यों ना उतर के सोहा लेक भी देख ली जाए। बहुत ज़्यादा नाम सुना था इस लेक का, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे मैंने व्यूअर्स बहुत अपनी लाइफ में लेक्स देखी हैं, जगह जगह की देखी हैं, पूरे नॉर्दर्न एरियाज की, इस तरह की लेक मैंने नहीं देखी। इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ है? पेड़ पौधे हर झील के अंदर होते हैं, लेकिन ये कभी भी दिखते नहीं है। विजिबल है व्यूअर्स, इतने विजिबल है कि मैं क्या बताऊँ आपको, दूर तक जा रही है, बहुत खूबसूरत है। चलिए चलकर इसको, अंदर तो नहीं जाने दे रहे वो लोग, अंदर ऐसा कुछ देखने का नहीं है, बाहर से सब कुछ दिख रहा है। तो आगे से देखे कैसा ग्रीन पानी है, वो देखे आगे की तरफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुझे कोई आर्टिफिशियल लेक लग रही है, लेकिन नहीं व्यूअर्स, ये ओरिजिनल लेक है, नेचुरल लेक है ये, बिल्कुल ऐसी लेक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। इसके अंदर से झीलों के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वो सारे दिख रहे हैं, इस झील के अंदर झीलों के अंदर पेड़ पौधे होते हैं वो सारे नजर आ रहे हैं। तो व्यूअर्स सोहा लेक से ही सोहा वैली का आगाज हो जाता है, ये वाहिद झील सोहा वैली की लाइफ लाइन है, जो इस वादी के पानी के पीने का वाहिद जरिया है। इस लेक के अंदर मछलियाँ भी पाई जाती हैं, बल्कि सारी की सारी मछलियाँ ट्राउट फिशेस ही हैं। सुना है कि इसके साथ ही ट्राउट फिश फॉर्म भी बना हुआ है, और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि इस लेक का पानी खासा ठंडा है। अब थोड़ी सोहा वैली की बात करें तो टूरिस्ट बगैर परमिशन के सोहा वैली के अंदर एंटर नहीं हो सकते।